सो गाइस, अगर आप वीडियो पे आ ही गए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो मैं अभी जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि मुझसे लोग पूछते रहते हैं ना बार बार कि यार कौन सा वर्कआउट करें, कौन सा डाइट लें। तो उसी में मैंने सोचा था कि मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो वो प्रोग्राम कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे। ठीक है, तो मैं जो चीज़ आपसे शेयर करने वाला था ना, वो ये बात थी कि हाँ, मैं सोच आजकल जैसे लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा वर्कआउट करें, कौन सा डाइट लें गेनिंग के लिए या फैट लॉस के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक वर्कआउट प्रोग्राम ही बना दूँ। तो वो प्रोग्राम कैसा होगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। तो जैसे कि जो बिगनर्स होते हैं, जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो उनको आइडिया नहीं होता है क्या वर्कआउट करें या जो किस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। फिर जैसे कि जो कोई फैट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट लॉस जो भी हो गया, और या मसल गेन या वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो मैं उन सभी के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ कि आप लोग सभी को हेल्प हो जाए। जैसे कि आप लोग जिम कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहा आपको, आप फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं जिम में जाके, तो मैं आप ही लोग के हेल्प के लिए ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें होगा क्या होगा, मैंने जितने भी अपने 3 इयर्स में एक्सपीरियंस लिया है, मैं उन सबसे आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से शेयर करूँगा, तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा ये प्रोग्राम से। तो गाइज़, इस वर्कआउट प्रोग्राम में होगा क्या कि मैं आपके गोल के हिसाब से इसको डिज़ाइन करूँगा। जैसे अगर आपका गोल वेट लॉस करने का है, तो मैं उसी तरीके से पूरा वर्कआउट शेड्यूल करूँगा आपका और डाइट बनाऊँगा। ठीक है, ताकि आप अपने गोल पे पहुँच सकें। या अगर आपका गोल वेट गेनिंग का है या मसल गेनिंग का है, तो मैं उसके हिसाब से आपका पूरा डाइट और वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूँगा, यानी आपको पर्सनली बताऊँगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है आपके गोल के पास पहुँचने के लिए, और आज कौन सी डाइट लेनी है यानी मंडे को, फिर ट्यूसडे को कौन सा डाइट लेना है, फिर आज कौन सा वर्कआउट करना है और कल कौन सा वर्कआउट करना है। तो ऐसे मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूँगा और वर्कआउट की वीडियोस देते रहूँगा, ताकि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं एकदम प्रॉपर करें। ठीक है, ताकि ऑब्वियसली आपका गोल आप पहुँच सकें। ठीक है, तो एक तरह से मैं आपका पार्टनर बन जाऊँगा उसमें। ठीक है, तो आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं और मैं आपको हर चीज़ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से आपके गोल तक पहुँचने में दिक्कत ना हो। तो फिर मैं आपको वीडियोस दूँगा, मतलब अगर आप प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा जो भी आपको आज वर्कआउट करनी है। ठीक है, ताकि आप वो प्रॉपरली कर सकें। उस वीडियो में मैं खुद उस वर्कआउट को करते रहूँगा, और ताकि वो देख करके आप भी उसी तरीके से करें और कोई गलती ना करें। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग वीकली चेक करेंगे कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है, यानी हर हफ्ते हम लोग चेक करेंगे कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो गाइज़, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली फ़ोटो तो आपने देखी ही होगी। तो आपने मतलब मेरा शुरू से एक ही गोल रहा था कि मुझे गेनिंग करना है, तो मैंने जो भी चीज़ें अपनाई थी नेचुरली, बिना सप्लीमेंट लिए मैंने जो गेन किया है, मैं वो हर चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी गेन में आपको बहुत हेल्प हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत ही हेल्प होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको होगा। ठीक है, सो आपको कुछ करना नहीं है, आपको अगर इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो आपको मुझे बस एक मैसेज भेज देना है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, मैं ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितना जल्दी करेंगे बेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग जल्दी जितना स्टार्ट करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया आप लोग को इस प्रोग्राम के बारे में, और मैंने ऐसे पर्सनली असिस्ट किया है पहले भी। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो यहाँ नहीं रहता है, उसके मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटो दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था, मैंने उसे पर्सनली असिस्ट किया था और बताया था क्या क्या करना है नहीं करना है। तो आई एम डैम श्योर कि अगर आप भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प होगा, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं चाह रहा था थोड़ा आप लोग को हेल्प कर दूँ। ठीक है, तो बस मैं वेट करूँगा आप लोग के मैसेज के लिए कि आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं। तो अगर जितनी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छा होगा, तो मैं मैंने तो वेट करूँगा सुना है। गाइज आपके मैसेजेस का और ईमेल्स का। ठीक है, तो ताकि जितनी जल्दी हो सके हम लोग स्टार्ट कर सकें। सो दैट्स इट, यही मुझे शेयर करना था आप लोग से फाइनली। तो गाइज, मैंने गेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अभी जो मेरा डाइट है वो भी कैलोरी सरप्लस में चलता है। तो कैलोरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बॉडी रोज़ अगर 3 3,000 कैलोरीज बर्न कर रही है, तो आप सरप्लस में खाएं
जैसे अभी पहले मैं 3000 कैलोरीज कंज्यूम करता था, तो अभी 3200 कर दिया हूँ, तो 200 जो होता है एक्स्ट्रा वो सरप्लस होता है, उसी की वजह से गेनिंग स्टार्ट होती है। और अभी जो रूटीन फॉलो कर रहा हूँ वर्कआउट का, वो पुश पुल लेग्स का है। तो पुश पुल लेग्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आप हर बॉडी पार्ट को एक वीक में दो बार ट्रेन कर पाते हैं। मुझे पुश पुल लेग्स सबसे बेस्ट स्प्लिट लगता है एक वर्कआउट शेड्यूल का, ठीक है? क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जब मैं पुश पुल लेग्स करता था ना, तो उसी टाइम मेरा 10 kgs गेन हुआ था, ठीक है? तो उसको भी बहुत ही स्मार्ट वे में करना पड़ता है, डिज़ाइन करके वर्कआउट कि आज आपको कौन सा करना है और कल कौन सा करना है। तो पुश पुल लेग्स एक बहुत ही अच्छा स्प्लिट है, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि आपका हर एक बॉडी पार्ट दो बार ट्रेन हो जाता है वीक में। जैसे मंडे को पुश हो गया डे आपका, फिर ट्यूसडे को पुल डे, फिर वेडनेसडे को लेग डे, फिर सेम रिपीट करते हैं आप, यानी वीक में 6 बार ट्रेन करेंगे 6 दिन, और 7वां यानी संडे को रेस्ट होता है हम लोग का। सो बहुत ही बेस्ट स्प्लिट होता है गेनिंग के लिए, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। सो कल पुश डे था तो आज पुल डे है, यानी आज बैक और बाइसेप, और पर्सनली मेरा पुल डे बहुत ही फेवरेट होता है, ठीक है? तो आज बहुत मज़ा आएगा वर्कआउट करने में जिम में। सो प्री वर्कआउट लेने के बाद मैं आपसे सीधे जिम में मिलूँगा, ठीक है? तो अभी चलते हैं। गाइस लगता है मेरा पीनट बटर भी ख़त्म होने वाला है। तो गाइस अगर आप बाहर लेने जाएंगे माई फिटनेस का वाला पीनट बटर, तो वो आपको 649 का पड़ जाएगा। यानी बाहर ऑफलाइन अगर ख़रीदते हैं तो वो लोग थोड़ा महंगा देते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ही ख़रीदें तो सस्ता पड़ जाएगा आप लोग को। मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। मैं हमेशा वहीं से ऑर्डर करता हूँ अपना पीनट बटर, तो मुझे 100 रुपये कैशबैक भी मिलता है। तो लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपना पीनट बटर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं माई फिटनेस का। और मैं भी अभी ऑर्डर करने जा रहा हूँ, ठीक है? मेरा ख़त्म हो गया। 2000 years later प्री वर्कआउट मैच ओट मील है, बनाना पीनट बटर और ओट्स, बहुत ही टेस्टी है यार।
काफ़ी अच्छा बैक का सेशन था हम लोग का आज, और मैं होप करूंगा कि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा मैंने जितनी भी एक्सरसाइज आप लोगों को बताई है। और एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप प्री वर्कआउट में ना बीट रूट का जूस ऐड करिए अपने डाइट में, ठीक है? बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ही मस्त पावर आएगा आपको वर्कआउट करने के टाइम पर। तो बीट रूट का जूस ज़रूर पिया करिए वर्कआउट करने से 40 मिनट्स पहले, ठीक है? और मैंने जो अपडेट देना था वो आपको बता ही दिया शुरू में, तो मैं वेट करूंगा आप लोग के मैसेजेस का। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय, पीस।